हे गाइस, दिस इज़ फातिमा जाफरी और वेलकम टू अनदर व्लॉग। बस मैं थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ के आई क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ और मुझे थोड़ा मतलब उठते उठते टाइम लग गया, इसलिए बस मैं नमाज़ पढ़ के आई। फिर उसके बाद हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, नमाज वमाज पढ़ ली है और जुमा मुबारक, ये तो मैं बोलने ही भूल गई आप लोग सबको। जब आप लोग देखेंगे तब जुम्मा गुजर चुका होगा, लेकिन फिर भी जुम्मा मुबारक। और अब मैं ज़रा तैयार होकर और कुछ खा पी लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। घर में खिचड़ी बनी है इसलिए मैंने कहा कि दिखा दूँ कि सिर्फ आप लोग नहीं, हम लोग भी ऐसे ही खाते हैं। लाओ भाई फातिमा, बायो वालों का पेपर। मैं तो पढ़ी ही नहीं। कितने मार्क्स होगा तुम्हारा? कितने का? 60। हम लोगों का 100 का नहीं होता था। 15 नंबर के प्रैक्टिकल्स और अच्छा वो मिला, वो सब मिला के 75 का। तो भाई ये बायो का पेपर हुआ। और बायो वालों, कैसे कैसा पेपर हुआ कमेंट्स में बताओ। फातिमा तुम्हारा कैसा हुआ? और हैं लोग देख रहे होंगे पेपर कैसा हुआ। टाइट हुआ। तो रिजल्ट बताएगा। फाइनली हम अपनी मम्मी के घर की तरफ रवाना हो गए। जल्दी सारे घर में सन्नाटा हो रहा है। मम्मी आ जाए। तो जी हम आ गए अपनी मम्मी के घर में और मम्मी साहबा की अपनी पार्टी चल रही है समोसे की, क्योंकि अब तो ख़त्म हो चुकी है। कह रही है देर से आई तुम, अब इनको क्या बताओ मैं डाइट पर हूँ। और आज तो ये हुआ है कि मेरे जिम का टाइम होने लगा है बस थोड़ी देर में, और मैं बड़ी लेट उठी थी। मैंने कहा मिलना भी है मम्मी से दोस्त की तरह, थोड़ी देर में उठना है यहाँ से, 5-10 मिनट बैठ के। और मम्मी क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाइए। अच्छा हाँ, दिल नहीं मानना चाहिए आपको ना। मैं वो खिलाऊंगी मीठा वाला समोसा, जिस दिन आप पूरी डाइट अपनी मीठे की शुगर पेशेंट है ना, जिस दिन आप पूरा कुछ दिनों तक मीठा नहीं खाया हुआ होगा ना, तब मुझे बताएगा। मैं मीठा खाता नहीं, खाती ना आप उसका समोसा खाएं। है मीठा समोसा। बताएं आप लोग क्या खानदान होता है, ये हमारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मम्मी का खानदान आपको ज़रूर मिलेगा। एक मम्मी का खानदान। और आज कल मम्मी की एसेसरीज में ये चीज़ एक इजाफा हो गई है, जो कि इनकी दवाइयाँ और इनका ये प्यारा सा क्यूट सा फर्स्ट एड बॉक्स है इनका, जिसमें ये दवाइयाँ अपनी सारी रखती हैं। बड़े मज़े से रहती हैं ये अकेले अकेले, बिल्कुल कोई नहीं है ना मम्मी, बोर नहीं होती होंगी कभी कभार? कभी कभार होती हूँ, मगर अब ऐसी आदत हो गई कि ज़्यादा रोगों में उठती रहती हूँ, सर में दर्द। हाँ ये तो है। आज मेरा दिल चाह रहा है बागर खानी खाने का, जो कि मैं अभी गली में आया हुआ है, अभी रोकूं उसको। बागर खानी वाले, बागर खानी वाले भाई, मेरी नजरें तो देख रही, आप लोग देख सकते तो देखे समरीन को बैठी पाए। हाथ हिलाओ, देख लिया समरीन ने। अभी गरम गरम होती है इसकी। मजेदार। कहाँ है मम्मी? 2000 years later। और गाइस हमारे साथ हो गया स्कैम, बकर खाने वाले ने हमें बकर खाने जली हुई दी है। मेरा बहुत दिल दुखा ये देख कर, मुझे जिम भी जाना है, मतलब मैं इसको पकड़ दी अभी। हम चले अपने घर की तरफ बगर खाने लेके कंबल साहब की। सुनने वाले बनो।
गाइस ट्रेडमिल तो हो गई है और बाकी मशीन्स, तो अब मैं योगा की तरफ जा रही हूँ जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो अब घर जाके मिलते हैं। सो गाइस इसी के साथ हम लोग अपने व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि हमारे घर में गई है लाइट, क्योंकि ये नया पाकिस्तान नहीं रहा है, ये पुराना पाकिस्तान हो गया, तो पुराने पाकिस्तान में लाइट भी जाती थी और जनरेटर ख़राब है हमारा, इसलिए इससे ज़्यादा मैं वीडियो अभी बना नहीं सकती हूँ। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और अल्लाह हाफिज़। क्या भाई, नया पुराना पाकिस्तान में आपका स्वागत है, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं हालात।